बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम्हारे इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो वीडियो में मौलाना जी जो है वो लेटे हुए हैं बड़े मजे से, और फिर वो आता है, वो उनको जो है उनके ऊपर बैठता है और वो करता है, और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? भूल गए आपके लास्ट ईयर जो एक मौलवी साहब आए थे, जो सामने यहाँ कुरान रखा था मौलवी साहब ने, इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको, मौलवी साहब ने जो पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, अल्लाह उनकी शान में बरकत करे, यूं कुरान रख के नीचे बच्चा जो है बंदा ओरल परफॉर्म कर रहा था उन पे। हम लोग इस कदर कुत्ते हो जाते हैं माजरत के साथ, कुत्ते की तरह जुबान निकल आती है हमारी, औरत देख के, लड़की देख के, गोरी चमड़ी देख के हमारी राल टपकने लगती है। जब हम कुछ करते हैं औरतें हमारी लाइनें दिखती हैं, तो इन मौलवियों को बोला करो ना, आपको बोलने की क्या जरूरत है, थोड़ी तो शर्म कर लो अपने इस्लाम की, अपने इस्लाम की ही रख लो, कुरान की ही रख लो। अगर काफिरों से इतनी नफरत है तो सबसे पहले तुम लोग इंटरनेट से हटो, यहूदियों का यूट्यूब बंद कर दो। हिंदू काफिर है वो, उनसे भी बचना चाहिए। ये काफिर काफिर जितना बोलते हैं ना, सारे काफिर मुल्कों को इनको बायकॉट कर देना चाहिए, भूखे मार देना चाहिए, इनको वापस भेज दो इनके घरों में, ताकि ये घरों में बैठे और खच्चर पे ट्रैवल करें, इनकी औकात ही यही है। इन नाना जी जो है वो लेटे हुए हैं बड़े मजे से, और उनके ऊपर एक शागिर्द है उनका, जो आई थिंक वो बंदा भी 20 साल यानी अपने 20s में है वो, और उसने जो है वो आता है, उसने सेट किया कैमरा, उसने रिकॉर्डिंग की इस चीज की, और फिर वो आता है, वो उनको जो है उनके ऊपर बैठता है और वो करता है, और ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है, उनके घर में नहीं हो रहा है, ये सारी वहां पे मस्जिद हो रहा है। सामने कुरान पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हदीसें पढ़ी हैं, तो हर जगह कुरानिक वर्सेस हैं, और ये मजे से लगे हुए, पहले यूं पहले उस तरफ, फिर उन्होंने कहा नहीं मजा नहीं आ रहा मेरे को मजा नहीं आ रहा, टर्न अराउंड, मैं आपका चेहरा देखना चाहता हूँ मेरा जो है ना, मैं तो वो फिर टर्न अराउंड करता है, तो फिर अचानक ही, उससे पहले की तो मैंने बात ही आपको नहीं बताई, उससे पहले तो मैंने बात ही नहीं बताई ना, उससे पहले वो, और वो जाता है बंदा, पहले तो निकालता है उनका पैकेज, फिर उनका पैकेज जो है वो हिलाता है अच्छे तरीके से अपने हाथ में, ऑयल भी लाते हैं, ऑयल है सब कुछ, ये सारी चीजें इनको यानी प्रोवाइड की जाती हैं मदरसों में, ये मदरसा था सॉरी मॉस्क नहीं है, मदरसा है। सो मदरसा है यहाँ, पॉर्न शूटिंग की जगह बना के रखी है आप लोगों ने, यहाँ ओ मजे ले ले के कर के मौलवी साहब जब अच्छी तरीके से फारिग हो गए 5 मिनट में, बंदे तू भी ना खुश रहो कि वो बंदा सिर्फ 5 मिनट में फारिग हो गया। तो भूल गए आपके लास्ट ईयर जो एक मौलवी साहब आए थे, जो सामने यहाँ कुरान रखा था मौलवी साहब ने, इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको, मौलवी साहब ने जो पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, अल्लाह उनकी शान में बरकत करे, यूं कुरान रख के नीचे बच्चा जो है बंदा ओरल परफॉर्म कर रहा था उन पे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोडा। ये मुझे बड़ा मजा आता है इन मौलवियों की गंडे ना इनके मुंह पे डालने, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। फिर आके यहाँ पे कंपेयर करो तो काफिरों से, ओ भाई के लोड़ो थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो अपने इस्लाम की, अपने इस्लाम की ही रख लो, कुरान की ही रख लो। अगर काफिरों से इतनी नफरत है तो सबसे पहले तुम लोग इंटरनेट से हटो, यहूदियों का यूट्यूब बंद कर दो, यूज करना जाहिलो, पता नहीं कौन से कहां पे बैठे होते हैं ये लोग, सबसे पहले उनका यूट्यूब यूज करना बंद करो।
इंटरनेट बंद करो। मैं तो कहती हूँ ये काफिर काफिर जितना बोलते हैं ना, सारे काफिर मुल्कों को इनको बायकॉट कर देना चाहिए, भूखे मार देना चाहिए, इनको वापस भेज दो इनके घरों में, ताकि ये घरों में बैठे और खच्चर पे ट्रैवल करें। इनकी औकात ही है ये इन मौत। हसन शाह, आपके मौलवी ने जो हरकत की है ना, उससे ज्यादा तो मैं कोई चीप हरकत नहीं कर रही। कुरान यहाँ रखा है बेटा, आ जाओ, चूसने का टाइम आ गया, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जब कुरान हाइड कर रहा है कोई बात नहीं, मदरसे भी हम यही करते हैं। ये आ गए एक और, ये एक और मौलवी से ठुकवा के आए। हाँ, यहाँ पर वहां पर ठुकवा के आ रहे होते हैं बगैर तेल लगा के, और यहाँ पर आके मुझे शर्म दिखा रहे होते हैं। चल निकल यहाँ से, जाओ अपने मौलवी के पास जाओ, दर्द हो रहा है तो। सो अगर आपको दर्द हो रहा है गाइस, तो मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। एक्चुअली आई विल टेल यू अबाउट इट अ लिटिल बिट लेटर, तो मुझसे आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा बेबी, आपका पेन जो है ना वो दूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम जब करवाए ना, तो मैं आपको तेल रेकमेंड करूंगी, वो लगा के करवा देना मौलवी साहब को। और मौलवी साहब को भी ना रॉ डॉगिंग ज्यादा पसंद है, उनको ये नहीं होता कि कुछ कंडम वंडम शंडम चला ले। कंडम कंडम क्या कंडम, क्या कंडम, आई कंडम द कंडम। पिछवाड़े से कौन सा बच्चा पैदा हो जाने, वो भी बंदेगा है ना, तो क्या करें। तो ये है आपके मुल्ला मुनाफिक जी, जो अपनी ठुकवाते हैं, जो बैठ के वहां पर अपना हिला रहे होते हैं और ऐसी बातें कर रहे होते हैं बैठ के। लाना तुम लोगों की शक्लों पे, लाना तुम लोगों की शक्लों पे, अभी तुम लोग काफिरों पे बात करते हो। अरे चलो निकलो यहाँ से पागल, तुम नहीं कहाँ से आते। उस वक्त बातें चल रही थी ओरल सेक्स पे, ये सुन के तो मेरे कानों में से वैसे ही धुआं निकलना शुरू हो गया। आई वॉज लाइक व्हाट, हाय एंजल, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मेरे कानों से धुआं निकलना शुरू हो गया, मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ऐसे मुसलमान इस्लामी चैनल पे ये ओरल सेक्स की बातें क्यों हो रही हैं। आ गई तो मौलवी साहब बातें कर रहे थे कि इतनी गंदी बातें करते हैं इंजीनियर अली मिर्जा और यूं, और कादियानी यूं, तो ये वाला फिरका यूं, तो वो वाला फिरका यूं, तो यूं 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 बकवास कर रहे थे। तो मैं गई वहां पर, मैंने कहा मौलवी साहब मुझे, और मैंने सलाम किया उनको जाकर, मैंने बड़ी तमीज से बात की उनसे, मैंने कहा मौलवी साहब आप यहाँ पर दूसरों की बातें तो कर रहे हैं, मगर जो आपके फिरके वाले हैं, जो आपके फिरके के लोग हैं, पता नहीं कौन सा फिरका है इनका, तो मुझे पता भी नहीं कितने फिरके हैं इन लोगों के। सो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जो वो लोग थंबनेल लगा के घूम रहे हैं और वो, और मैंने शेयर की ये चीज उनसे, ये सुबह मेरे 5 बज रहे थे, 5:30, तो मैंने उनको वो दिखाई, तो उन्होंने एक दो दिखाने के बाद मुझसे बात ही नहीं की, बात ही नहीं की मौलवी साहब ने, नीचे बैठा दिया मेरे को। हमसे ना हमारी बातें भरा करो, मैंने जो लगाया है ना, नहीं क्या कहते, मैंने जो लगाया है ना, हमसे वो बात करें बीबी, बीबी ये किसी और की है, उनसे जाके पूछे। जाहिल, पता नहीं कौन से गांव का ये जाहिल मौलवी है जिसको बिठा दिया है वहां पर, वो बैठ के बातें करे। और ये आए हैं देखिए फुरकान जी, इनके इस्लाम में कुरान में ये सिखाया जाता है, छोपा लगाओ, रंडीबाजी, बच्चाबाजी, सेक्स स्लेव्स, लौंडियां रखना, ये फुरकान भुट्टा जो हैं, ये जो है ना, ये सीख कर आ रहे हैं, क्योंकि इनके मदरसों में जब ये जाते हैं ना कुरान पढ़ने, तो सबसे पहले मौलवी साहब कहते हैं बेटा बिस्मिल्ला करो, वहां खुशी खुशी से पहले ये करते हैं, फिर कहते हैं बेटा टर्न अराउंड, अब पीछे से, और ये बड़े मजे से लेते हैं, बड़े मजे से लेते हैं ये फुरकान भुट्टो जी। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।